इस अभ्यास में हम राइट हैंड कटिंग टूल को ग्राइंड करना सीखेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए हमें पेडस्टल ग्राइंडर, कटिंग टूल तथा कूलेंट इत्यादि की आवश्यकता होगी। इस मशीन को पेडस्टल ग्राइंडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस समय दिखाया जा रहा व्हील सॉफ्ट बॉन्डेड व्हील है, जिसे सॉफ्ट व्हील के नाम से भी जानते हैं। इसे साधारण भाषा में एल्यूमिनियम बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस व्हील पर हम हार्ड स्टील्स को ग्राइंड करते हैं। इस समय दिखाया जा रहा ग्राइंडिंग व्हील हार्ड बॉन्डेड है, जिस पर सॉफ्टर स्टील्स को ग्राइंड किया जाता है। सॉफ्ट व्हील को मार्केट में ग्रीन व्हील के नाम से भी पुकारते हैं। राइट हैंड कटिंग टूल को ग्राइंड करने के लिए अब ग्राइंडिंग मशीन को ऑन करें और इस टूल के फ्रंट क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करें। फ्रंट क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करते समय यह ध्यान रखें कि टूल की टिप की बजाय इसका नीचे वाला सिरा ग्राइंडिंग व्हील के संपर्क में ज्यादा रहे, और साथ ही इसे एक ही स्थान पर ना रखें बल्कि व्हील के साथ साथ आगे पीछे करते रहें। ग्राइंडिंग के कारण यदि टूल की बॉडी गर्म होने लगे तो इसे कूलेंट में डालकर क्वेंच करें। फ्रंट क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करने के बाद साइड क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करें, और इसे ग्राइंड करते समय टूल का ऊपर वाला सिरा ग्राइंडिंग व्हील से थोड़ा दूर, जबकि नीचे वाला सिरा इसके साथ ग्राइंड हो। गर्म होने पर टूल को दोबारा कूलेंट में क्वेंच करें। साइड क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करने के बाद टॉप क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करेंगे। टॉप क्लियरेंस एंगल को ग्राइंड करने के बाद टॉप रैक एंगल को ग्राइंड करें, और इसे ग्राइंड करते समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि टूल की बॉडी को नीचे की ओर रखें और इसकी टिप को भी व्हील से थोड़ा बाहर की ओर रखें। रैक एंगल से चिप फॉर्मेशन होती है। नेगेटिव रैक एंगल के कारण चिप्स स्प्रिंग की तरह, जबकि जीरो रैक एंगल से ये छोटे छोटे टुकड़ों में निकलते हैं। अब आप साइड क्लियरेंस एंगल को स्क्रीन पर भली प्रकार से देख पा रहे हैं, जो कि लगभग 5 डिग्री है। अब आप फ्रंट क्लियरेंस एंगल को स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रंट क्लियरेंस एंगल की वैल्यू 6 डिग्री से 7 डिग्री तक निर्धारित की जाती है। अब आप टॉप क्लियरेंस एंगल को देख पा रहे हैं। ट्रैक एंगल, जिसकी निर्धारित वैल्यू 2 डिग्री से 3 डिग्री, आपकी स्क्रीन पर अब आप लिप एंगल को देख रहे हैं, जो कि फ्रंट और साइड क्लियरेंस एंगल के मिलने से फॉर्म हो रहा है। इस एंगल का संबंध टूल की स्ट्रेंथ से है। लिप एंगल जितना अधिक होगा, टूल की स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। नोज रेडियस, जो कि 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक रखी जाती है, इसके कारण
जॉब की सरफेस में स्मूथनेस आती है। इस प्रकार राइट हैंड टूल की ग्राइंडिंग का यह अभ्यास पूरा होता है।